सो अब रिकॉल तीन तीन बार आप रिकॉल हो सकते हैं एंड सबसे बड़ा चेंजेस तो दो ही हुए जो मेरा फेवरेट है। सो गाइस कैसे हो भाई, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि 3.0 अपडेट रोल आउट शुरू हो चुका है। अगर आप डाउनलोड करके खेलना चाहते हैं तो आज ही आप डाउनलोड करके खेल भी सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। पबजी के बहुत सारे वर्जन में यहाँ पे रोल आउट शुरू हो गए, मतलब डाउनलोड करके खेल सकते हैं। BGMI में कब लॉन्च होगा वो भी बताऊंगा, BGMI में भी कैसे डाउनलोड होगा बता दूंगा। एंड जो टॉप टॉप फीचर, जो बड़े बड़े चेंजेस हो वो बस बताने वाला हूँ, जिसको देख के आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। मतलब हाँ भाई, एरेंगल हम लोगों को पसंद था, नॉर्मल ही एरेंगल है, बट उसमें कुछ कुछ स्पेशल फीचर जो ऐड हुआ है ना, लिटरली मजा आ गया है। सो वीडियो को एंड तक देखिए, और चैनल पे नए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ जेन्युइन कंटेंट मिलता है। सबसे पहले ना कुछ टॉप फीचर बता देता हूँ, फिर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप खेल सकते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। सो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, स्किप मत करिए, मजा बहुत आने वाला है। सो सबसे पहले बात करें, एक नया थीम मोड हम लोगों को देखने को मिलेगा एंड वो थीम मोड का नाम होने वाला शैडो फोर्स करके। एंड यहाँ कोरियन में आप लोगों को कुछ दिखता होगा, एरेंगल में रहेगा, लिविक में रहेगा, सेनहॉक में रहेगा, ठीक है। तीनों मोड में आप लोगों को देखने को जाएगा ये नया थीम मोड। एंड इसमें काफी अच्छा फीचर, मतलब जो पुराने मोड के जो स्पेशल फीचर सब थे ना, जो मतलब फेवरेट थे सारे के, वो सब भी डाल दिए गए ये 3.0 में, ठीक है। सो यहाँ पे जो हॉट लोकेशन होने वाला है, मतलब हॉट ड्रॉप जो होने वाला है, वहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, यासनाया के पास, यहाँ पे प्रिजन के पास एंड जॉर्जियो पुल के पास, तीन जगह यहाँ पे आपको हॉट ड्रॉप देखने को मिल रहा है। एंड वहाँ पे हॉट ड्रॉप में आप उतरिए तो क्या सबसे पहले चीज क्या मिलेगा वो मैं दिखा देता हूँ। सो लोकेशन बेसिकली यहाँ क्या क्या रहेगा, आप देखिए नया कुछ हाईटेक बिल्डिंग सब आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए एकदम फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग सब, जिप लाइन एंड बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। जिप लाइन का तो मजा अलग है, एक बिल्डिंग से दूसरे जगह जाना वो एकदम स्मूथली जाने वाला है। और सबसे बेस्ट चीज, ये जगह हॉट ड्रॉप में लैंड करिए तो रिस्पॉन कार्ड, मतलब भाई एक बार आप मरते हैं तो ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाइएगा, ठीक है। रिस्पॉन कार्ड आपको मिल जाएगा यहां पे, तो बेस्ट चीज होगी, सबसे पहला रिकॉल यहां से हो गया, ठीक है। सेकेंड रिकॉल पता है कहां से होगा, सेकेंड रिकॉल रिकॉल टावर भी रहेगा, उससे आप रिकॉल हो सकते हैं। थर्ड रिकॉल आगे मैं दिखाने वाला हूं। उसके बाद बहुत जगह आपको सीक्रेट डोर सब भी मिलेगा, यहाँ देखिए इस टाइप का डोर मिलेगा, उसको खोलिए तो उसके अंदर एक स्पेशल क्रेट रहेगा जिसके अंदर से भी काफी सारे लूट मिलेगा एंड जहाँ एक स्पेशल आइटम भी मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ थर्ड रिकॉल का, दो रिकॉल तो बता दिया, पहला रिस्पॉन कार्ड, सेकेंड रिकॉल टावर, थर्ड रिस्पॉन। अगर आप पहला जोन में रहते, ठीक है, या जोन नहीं बना हो या पहला जोन जो बना उसमें अगर आप मरते ना तो आप मरिएगा नहीं, आपको एक जगह में फेंक दिया जाएगा, ये एक स्पेशल जगह में फेंक दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ स्पेशल जगह में जैसे देखिए लैंड करिएगा ना, प्रिजन जैसा आपको देखने को मिलेगा, एरिया पूरा प्रिजन जैसा दिख रहा, सेम टू सेम वैसा रहेगा। एंड यहाँ जितने बंदे मरेंगे सबको आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप लड़िए या तो आप दिमाग लगा के एक ग्रीन वाला एरिया को वहां जाना है एंड वहां से भाग के वापस रिंगल में आ जाना, ठीक है। यहाँ देखिए आप पहुंच जाएगा, एकदम सेम एरिया है, ऊपर पूरा लॉक टाइप का दिखेगा, लगे कुछ यहाँ पे बिजली वगैरह है कि ऊपर जा नहीं सकते। एंड एक ग्रीन कलर के एरिया देखने को मिलेगा स्मॉल मैप मिनी मैप में भी, और वो एरिया में आपको बच के आना, या तो सबको मार के आइए या वो एरिया में आइए। यहाँ देखिए एक स्मोक गिरते रहेगा, वहाँ पे आप इनेबल करिए तो या थोड़ा सा टाइमिंग चलेगा, वो टाइमिंग में आपको ध्यान देना कोई मार ना दे, ठीक है। वो टाइमिंग खत्म होता है आपको फिर से प्लेन में डाल दिया जाएगा, फिर से अपने दोस्तों के पास कूद जाइए, आराम से जंप कर लीजिए। सो ये चीज़ देखिए, तीन तीन जगह रिकॉल है, ये काफ़ी अच्छा ना, पहला जोन में मर जाते तब भी आपको ये जगह में आएगा, छुप छाप के यहाँ से आप वापस आ सकते हैं। सो ये फीचर के लिए तो एक लाइक बनता, मुझे तो काफ़ी बेस्ट लगा, आपको कैसा लगा ये बार कमेंट भी करिएगा। अब काफ़ी सारे नए नए वेपन ऐड हुए, देख जैसे यहाँ पे आपको एक कटाना बोल सकते, एक तलवार ऐड हुआ एंड ये नॉर्मल तलवार रहे भाई, इससे आप बुलेट रोक सकते हैं, स्पीड दौड़ सकते, बहुत कुछ कर सकते। एक आपको बॉल मिलने वाले, ये बॉल से क्या कर सकते, ये तो अलग ही लेवल का है भाई, ये अलग लेवल ले गए। थर्ड आप यहाँ पे उड़ भी सकते हैं एंड जो स्पाइडर वेब था ग्रैपल हुक वो भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते तलवार का, कटाना जिसका नाम है, ठीक है, कटाना। अब ये आपको देखने में कुछ एकदम समुराई टाइप को लंबा सा तलवार देखने को मिलेगा एंड इसमें से ब्लू लाइट भी देखने को मिले। एंड यहाँ एक फीचर मिलेगा आपको शील्ड का, ठीक है, आप यहाँ पे शील्ड यूज करिए ना, लाइक बुलेट कोई मारते रहेगा ना गन से, तो उसको आप रोक सकते हैं शील्ड का यूज करके। एंड इससे मारिएगा ना तो ये जो ब्लू एंड लाइट दिख रहा है ना, तो जहां तक लाइट जाएगा ना वहां भी एनिमी को डैमेज पर, जैसे मैं यहाँ चला रहा हूँ बट लाइट के चेयर तक जा रहा तो चेयर भी ढील जाएगा, ठीक है, तो ये चीज होने वाला है। सो इससे आप काफी बंदे को मार सकते हैं, साथ में यहाँ पे एक स्पीड डैश का पावर, स्विंग से स्पीड में जाना है तो एक पावर है, अगर बंदा थोड़ा दूर में है ये वाला आप टाइम में मारिए तो इस डैश के स्पीड से जाके मारे तो डैमेज और ज्यादा पड़ेगा और स्पीड में आप पहुंचे।
अब सेकंड बात करते हैं, एक स्पेशल बॉल मिलने वाला आप लोगों को, ये शॉप में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, शॉप से भी आप परचेस कर सकते हैं। अब ये डिवाइस आप जैसे फेंकिएगा ना, तो क्या होगा पता है, ये बॉल फेंकने से आपका एक स्पॉन स्टैचू मतलब डुप्लीकेट बोलते हैं ना, वो आपका सामने बन जाएगा वहां पे, ठीक है। अब वहां बन जाएगा, उसको आपको डैमेज उमेज वो पड़ेगा, बट आपको डैमेज नहीं पड़ेगा, बस वो जो आपका डुप्लीकेट जो बना उसको डैमेज पड़ेगा। आप बंदा का यहाँ लोकेशन चेक कर सकते हैं, अब जो करना चाहे कर सकते हैं, उससे आप यहाँ जिपलाइन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड कुछ देर के बाद वो गायब हो जाएगा, एंड फिर जो आप लोकेशन में जहाँ पे पहले थे छुपे हुए एंड वो बॉल फेंके थे, फिर से आप वापस वो लोकेशन में आ जाइए, ठीक है। सो ये चीज़ आप कर सकते हैं, उसके बाद जाके आप बंदा को मार सकते हैं लोकेशन देख लिए। सो ये सबसे ज़्यादा काम पता कब आएगा, कोई बिल्डिंग वगैरह है, बिल्डिंग में कितने बंदे वो बॉल आप फेंके, ठीक है। अब बिल्डिंग अंदर आपका स्टैच्यू बन गया, ठीक है, वो एनिमी को लगेगा कि आप है, वो मारेगा फायर वर्क करेगा, बट आप सारा लोगों के एरिया देख लीजिए, उसके बाद आप वापस अपना पास जाइए, फिर स्ट्रैटेजी लगा कि ग्रेनेड वगैरह फेंक के आप उड़ा सकते हैं, तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बोलिएगा तो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लाएंगे, भाई धमाल मच जाएगा, क्या क्या इससे आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो अगर चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिए। थर्ड बात करते, एक आपको यहाँ मशीन टाइप का मिलेगा, ये मशीन से तो भाई बवाल करने वाले, सिंपल वर्ड बोले ना स्पाइडर वेब था ना ग्रैपल हुक, वो यूज़ कर सकते हैं आप, बट इसके साथ साथ एक और फीचर ऐड हुआ है, ग्रैपल हुक के साथ साथ आप उड़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाथ में मेरा कुछ लगा हुआ है, ये बांधा हुआ है, एक बार यूज़ करेंगे जहाँ पे एम करके तो ग्रैपल हुक का काम आएगा, और अगर डबल टैप कर देंगे तो यहाँ पे पैराशूट मेरा ओपन हो जाएगा, एंड पैराशूट से भी थोड़ा दूर मैं जा सकता हूँ, तो मतलब लाइक व्हीकल वगैरह भी नहीं है, तो लाइक डबल टैप करके ग्रैपल हुक का यहाँ पे आराम से उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट छोटे छोटे चीज़ें की बात करें तो यहाँ पे आप लोग गाड़ी ड्राइव करते करते आप हेल्थ लगा सकते हैं, मतलब पहले ड्राइवर नहीं लगा सकता था, सीट चेंज करना पड़ता था, अब आपको लगाना हो बैंडेड वगैरह तो आप आराम से ड्राइव करते करते आप यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी ड्रिंक हुआ, यहाँ पे कोई भी चीज़ हुआ हेल्थ का, कुछ भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया। एंड नेक्स्ट चीज़ का बात करें, नेक्स्ट फीचर का, तो स्कूटर, स्कूटर रेंगल में भी ऐड हो गया नया व्हीकल, ये देखिए स्कूटर भी रेंगल में आपको देखने को मिल जाए, मस्त आप स्कूटर भी चला सकते हैं, एंड काफ़ी मस्त लगता है देखने में ये चीज़। सो इतने सारे फीचर थे भाई, कितने कमाल कमाल के फीचर, मतलब आप नॉर्मल एरेंगल जैसे खेलते थे सेम ही एरेंगल बोल सकते हैं, कुछ कुछ स्पेशल एरिया जैसे जोर्जो पुल पास, प्रिजन पास एंड यासनाए पास हॉट ड्रॉप होने वाला है, वहाँ लैंड करके आप मजा ले, बाकी नॉर्मल एरेंगल दिखने वाला है, रिस्पॉन आप 3 बार रिकॉल हो सकते हैं, वो भी बता दिया आप लोग, एंड स्पेशल गैजेट सब काफ़ी अच्छे, मतलब उतना बड़ा बड़ा जो बोलते हैं ना, मतलब पूरा थीम मोड में पूरा चेंजेस वैसा नहीं हो, बट हाँ खेलने में आप मजा आए, एरेंगल वाला जो वाइब रहता था नॉर्मल एरेंगल का वो भी रहेगा, एंड कुछ स्पेशल फीचर भी हम लोगों को मिल जाए, तो मजा आने वाला है। अब बता देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर रिलीज डेट आप देख लिए, पबजी वियतनाम आज से शुरू होगी, आप अभी डाउनलोड करके खेलना चाहते हो तो खेल सकते, कैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ रिलीज डेट देख लीजिए, ठीक है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 8 जनवरी, आज जैसे 8 जनवरी है तो यहाँ वियतनाम में बहुत लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, 8 ही जनवरी को आज पूरा कंप्लीट मिल जाएगा सारे लोगों को, यहाँ टाइमिंग दिया हुआ, पबजी VN, ठीक है, पबजी KR अगर खेलना था 9 तारीख को वेट, कल आपको पबजी KR में देखने को मिल जाएगा, एंड ग्लोबल वर्जन में भी 9 तारीख मतलब कल आपको देखने को मिल जाए। सो पबजी VN अगर अभी डाउनलोड कर खेलना है तो आप खेल सकते हैं, सिंपल पबजी VN आप गूगल पर डाउनलोड कर लीजिए, क्लिक करिएगा ना टैप टैप वेबसाइट आता है, टैप टैप एप्लीकेशन से कर सकते हैं या अप टू डाउन वेबसाइट से, उससे आप कर सकते हैं अगर आप इंडिया में है तो, बाकी तो प्ले स्टोर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, अदर रीजन आप देख रहे तो, ठीक है। सो आप पबजी VN टैप टैप या अप टू डाउन से डाउनलोड करके आज ही खेल सकते हैं, डाउनलोड करके 2.3.0 अपडेट, एंड ग्लोबल वर्जन अगर खेलना पबजी ग्लोबल बहुत लोग खेलते हैं एंड बिना VPN का खेलना है, सो भाई जैसे ग्लोबल वर्जन यहाँ पे रिलीज हो जाता है विदाउट VPN वाला वेबसाइट वाला वर्जन, या तो कल हो जाएगा या परसों सुबह हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अपना टेलीग्राम पे डालूँ, सिंपल मैं बता देता हूँ, एकदम इजीली डाउनलोड जाए, सिंपल आप प्ले स्टोर खोलिए, टेलीग्राम सर्च करके डाउनलोड करिए, डाउनलोड होगा मैं जान रहा हूँ आपके पास, सिंपल ओपन करिएगा, ऊपर सर्च बार का ऑप्शन है, सर्च पे एट द रेट लगा कि GK अफरोज सर्च करिएगा, ठीक है। एक ही चैनल है 3 लाख से ऊपर मेंबर, बाकी सारे चैनल फेक है तो उस पर भरोसा मत करिएगा, क्लिक करिएगा सबसे पहले नीचे ज्वाइन हो जाइएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, बाकी जितने सारे लीक्स आते हैं रिलीज डेट आते हैं या जो भी आता है मैं आपको भी यहाँ पर टेलीग्राम पर सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ, तुरंत से सारा लेटेस्ट न्यूज़ आपको PGMI एंड पबजी मोबाइल का पता चलते रहेगा टेलीग्राम से, ज्वाइन हो जाइए, एंड काफ़ी सारे अर्निंग का भी देते रहते हो, मतलब साइन अप बोनस, रेफरल बोनस, ये सबसे भी आप डेली के 50-100 रुपये कमा सकते हैं बिना 1 रुपये लगाए, सो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन रहेगा, एंड जैसे पबजी ग्लोबल का बिना VPN वाला जो APK आता है वो APK मैं टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा, सिंपल आप टेलीग्राम खोल के सुबह चेक करिएगा 10 बजे तक या 9 बजे तक,
है ना, ठीक है, कल आ जाएगा तो कल ही मैं डाल दूंगा, परसों आएगा परसों सुबह डाल दूंगा, आप क्लिक करके डाउनलोड करिएगा। बिना वीपीएन आप आराम से खेल सकते हैं, ठीक है, आराम से खेलिएगा, मजा करिए, ठीक है। मैं भी पबजी ग्लोबल खेलता हूँ विदाउट वीपीएन चलाता हूँ, ठीक है, एक वीडियो भी बना दूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा, बट डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर कर लेना, बिल्कुल सेफ रहेगा, ऑफिशियल एपीके दूंगा, ठीक है। तो यही था वीडियो में सारा कुछ बताना था, और बीजीएमआई का 3.0 अपडेट का वेट करें तो भाई बीजीएमआई में थोड़ा सा वेट करना होगा, बट ज्यादा नहीं, जनवरी में ही आ रहा है, बताया जा रहा 25 जनवरी तक आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो 25 जनवरी तक आप लास्ट डेट बोल सकते हैं कि बताया जा रहा आ जाएगा, लेट हुआ तो 26-27 जनवरी होगा, बट उससे लेट नहीं होने वाला, जनवरी में ही 3.0 अपडेट बीजीएमआई में भी आएगा और सेम चेंजेस होने वाला है। बाकी पबजी का तो आज से वीएन में, ग्लोबल कल से मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो यहां तक देखे और सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से 5,00,000 सब्सक्राइबर पहुंचना है। मिलते कोई और वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय हिंद।